हुआ क्या? गुड आफ्टरनून सर। 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 गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये चिरकालिक अंग का मतलब क्या होता है? चिरकालिक का मतलब जो हमेशा लगा रहे। और सूट पॉकेट का मतलब क्या? क्या सूट पॉकेट? सूट पॉकेट, सूट या फिर रूट पॉकेट था, इसी टाइप का कुछ वर्ड था। रूट पॉकेट, रूट पॉकेट जो प्रिस्टिया आइकोनिया वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर रूट कैप के अंदर एयर भर जाता है, तो वो ट्रायंगुलर पॉकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हवा भरी होती है और वो उनको मतलब फ्लोट करने में हेल्प करता है। ओके सर, थैंक यू सर। लो मजे ले रहे भाई तुम सर। चलो देखो, अब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी पढ़े थे हम लोग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग कोरोला पढ़ रहे थे, कोरोला, और कोरोला की जो विन्यास है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एस्टिवेशन, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, दल का जो अरेंजमेंट होता है कलिका अवस्था में उसे हम बोल देते हैं एस्टिवेशन, दल विन्यास। एस्टिवेशन क्या होता है? दल विन्यास होता है कि पुष्पीय अवस्था में पुष्पाशन के ऊपर दल जो है वो किस तरीके से लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अलग अलग टाइप के होते हैं एस्टिवेशन। कौन कौन से टाइप है एस्टिवेशन के? एक होता है वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन। दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड। थर्ड होता है जिसे हम बोल देते हैं इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। चौथा होता है जिसे हम बोल देते हैं इम्ब्रिकेट, जो असेंडिंग इम्ब्रिकेट भी होते हैं। क्या बच्चे दिख नहीं रहे? एक्सिलरी सर, ज्यादा ब्राइटनेस लग रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सिलरी एस्टिमेशन, और एक होता है इनकॉन्शियल एस्टिमेशन। ऐसे डिफरेंट टाइप के एस्टिमेशन होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, एक्सिलरी और इनकॉन्शियल। सर ये एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिमेशन जो होता है वो दल की पुष्पाशन पर कली अवस्था में जो अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, उसे हम बोलते हैं एस्टिमेशन। क्या बोल सकता हूँ? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन फ्लोरल बड स्टेज। अब समझना क्या होता है, जिसे वेलवेट एस्टिमेशन है। वेलवेट एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे पेटल्स है, पेटल्स मान लो पांच पेटल बना रहा हूं, एक दो तीन चार पांच। अभी पांच पेटल है यानी कि दल है, तो वो सर तो रुके हैं, मेरे भी अटक गए सभी में अटके हैं भाई, फिर से रिपीट करवाएंगे। उधर सर पढ़ा रहे होंगे बेचारे। हाँ
सर क्या अटक गया? तीर से रिपीट तो बनता है। ये फर्स्ट क्या लिखा है प्लीज बताओ ना, क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। क्या वेलवेट वेलवेट सेकंड ट्विस्टेड ट्रेडिशन को कोरिस पर्सी बोलते हैं हिंदी में। कोरिस पर्सी आई थिंक सर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, अगर ये सिर्फ टच होगा तो कोरिस पर्सी। हां कोरिस पर्सी वेलवेट क्या बोलेंगे हिंदी में? कोरिस पर्सी। अरे पूरा तो मेरे में स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। मेरे भी गायब हो गया अब तो। गायब गायब बोल दो ना, कौन सेंड किया था ग्रुप में भूत वाला? आज सुबह सुबह से भूत का शक्ल दिखा रहे थे। वेलवेट के बाद क्या था कोई बोल दो ना प्लीज। वेलवेट के बाद ट्विस्टेड ट्विस्टेड व्यावर्तित। हाँ फिर कौर छादी गायब हो गए हैं क्या? यस इनविजिबल। हाँ यार भूत खेल गए सर, मिस्टर इंडिया बन गए हैं। अरे वो रेड कलर में दिखते नहीं है तो मिस इंडिया आ गया। आ गया आ गया, चिंता मत करो मैं यहाँ पर ही था, इंटरनेट जो है वो चला गया था। सारा सबका आवाज सुन रहे होगे फिर तो। हाँ तुम्हारा सारा आवाज सुन रहा था। ठीक है चलो हिंदी में ही बता देता हूँ इनके नाम। कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी जो होता है वो कौन सा है? वेलवेट है। वेलवेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोर स्पर्शी चौकड़। ठीक है तो कोर स्पर्शी हिंदी में तो नाम से भी पता पड़ रहा है कि उनके किनारे जो है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं या पास में उपस्थित है, तो ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। अब कोरोला ऐसा बना रहे थे, ये फ्यूज में हो सकता है, ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि पॉलीपेटेलस प्रथम दलीय कंडीशन है या गैमोपेटेलस संयुक्त दलीय कंडीशन है। एग्जाम्पल क्या होता है वेलवेट का, किसके अंदर होते हैं ये? जो फैमिली हम पढ़ते हैं उन फैमिलीज में से जो ब्रैसिकेसी है, क्रूसिफेरी या ब्रैसिकेसी ठीक है तो ब्रैसिकेसी में हो सकता है, कैलोट्रॉपिस के अंदर हो सकता है। उसके अलावा सोलेनेसी नंबर फैमिली के नंबर सोलेनेसी, फैमिली का नाम मैं लिख रहा हूं और इस एक फैमिली का नाम मैंने लिखा तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए। जब तुम फैमिली पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि वेलवेट कौन कौन से मेंबर्स में है। कल एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर बहुत सारे नीम का ही क्वेश्चन था, बहुत सारे प्लांट के नेम दिए थे, पूछा था किसमें सुपीरियर ओवरी होती है। तो यदि हमने फैमिली के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि किस फैमिली में सुपीरियर ओवरी होती है, किसमें इंफीरियर ओवरी होती है, तो हम बहुत इजीली उस फैमिली के मेंबर्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, है ना? तो ब्रैसिकेसी, कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस एस्केपिडेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, कुकरबिडेसी, कुकरबिडेसी, एस्टरेसी, तो ऐसी फैमिलीज के अंदर क्या होता है? वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है वो समझो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा कि हर एक पैटर्न अपने आगे वाले पैटर्न को कवर करेगा और पीछे वाले पैटर्न से कवर हो रहा होगा। कैसे? जैसे मान लो एक ये पैटर्न है तो इसके पास वाला पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से, क्या देख रहे हो, इस वाले पैटर्न को इसने कवर कर रखा है, फिर इसके बाद वाला जो होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। तो इस तरीके से एक के नीचे एक कवर करते हुए जाते हैं। डायग्राम क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखेगा? क्रॉस सेक्शन में दिखेगा कुछ इस तरीके से। मतलब एक पेटल है तो अब ये वाला सिरा इसने क्या किया? इसको कवर किया। ठीक है फिर ये क्या करेगा? ये अपने से आगे वाले को ऐसे कवर करेगा, फिर ये अपने से आगे वाले को कवर करेगा, फिर ये अपने से नेक्स्ट को कवर करेगा।
क्या हर एक पेटल जो मैंने यहाँ पे बनाया उसकी कुछ खास बात देखी तुमने? हर एक पेटल अपने आगे वाले एक पेटल को क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है और पीछे वाले से कवर हो रहा है, एक परफेक्ट सीक्वेंस में सब एक जैसे ही अरेंज है, दिख रहा है क्या? यस सर। ये ऐसा दल है, तो क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, ये ऐसा दल है, ये ऐसा है ना, और ये दूसरे को ऐसे कवर करके रखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं व्यवर्तित। पिस्टन जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यवर्तित बोलते हैं। और इसका एग्जांपल ध्यान रखना, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर तुम्हें तीन एग्जांपल ध्यान रखने होते हैं। इसको पता है मालवेसी के तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से हैं? पता है क्या? लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। वेरी गुड, लेडी और कॉटन, ये जरूर से ध्यान रखना। याद नहीं था तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालवेसी फैमिली जो है उसके अंदर इस टाइप का एस्टिमेशन होता है, और उसके तीन मेंबर, क्योंकि हो सकता है एग्जांपल में मालवेसी आ जाए, या हो सकता है एग्जांपल में चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ऐसे अलग अलग आ जाए। ट्विस्टेड के बाद में हमने नेक्स्ट बात की थी किसकी? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट को हम क्या बोल रहे हैं? कोर छाती। क्या बोल रहे हैं? कोर छाती। कोर छाती में क्या होता है, ध्यान देना, एक पेटल जो होगा वो कंप्लीटली बाहर होगा, एक पेटल जो होगा वो कंप्लीटली अंदर होगा, बाकी के पेटल्स होंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म। हेलो सर, पांच पेटल तो मैं दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से ये वाला पेटल कंप्लीटली बाहर है, ये वाला पेटल कंप्लीटली अंदर है, मतलब दोनों सिरों पे ढका हुआ है, दोनों सिरों पे बाहर है, बाकी एक सिरा अंदर, एक एक कोर अंदर, एक कोर बाहर है। देख पा रहे हो क्या? देख पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसा इसका एग्जांपल होता है केसिया, गुलमोहर, केसिया, गुलमोहर, लेग्यूमिनोसी के मेंबर हैं ये, उनके अंदर इस प्रकार का इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। क्लियर होगी बात? सुन में आ रहा है सबको? ऐसे ही ध्यान रखना है कि किसमें क्या होता है। तो स्टेट में हर एक जो पैटर्न होगा उसका एक एंड कवर करेगा, दूसरा खुद कवर हो जाएगा दूसरे एंड पे। इम्ब्रिकेट में एक पेटल के दोनों एंड फ्री, एक के दोनों अंदर, बाकी सारे ट्विस्टेड की तरह एक अंदर एक बाहर। हेलो सर, सर ये जो व्यावर्तित था, व्यावर्तित उसमें मतलब प्रत्येक मतलब एक कोर निकला हुआ था, एक दबा हुआ था, लेकिन इसमें ये जो ऊपर वाला है वो दोनों उभरा हुआ है ना, इसलिए डिफरेंट है ना? हाँ, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये दो बाहर है, ये दो अंदर है, बाकी ट्विस्टेड जैसा है, व्यावर्तित जैसा है। वैक्सिलरी सिचुएशन फैलेसी फैमिली के मेंबर में हम नॉर्मली देखते हैं, जहां पर एक पेटल बड़ा सा होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्सिलर। कल भी बताया था मैंने, वैक्सिलर के बाद दो होते हैं विंग्स, वैक्सिलर विंग्स, और वैक्सिलर को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और दो छोटे छोटे होते हैं कील, और कील आपस में चिपके हुए होते हैं। अब इसको जब हम लिखेंगे तो 1+2+2 और जो चिपके हुए उसको ऐसे ब्रैकेट, ऐसा हम फ्लोरल फॉर्मूला में लिखेंगे, समझ गए? छोटे वाले का नाम क्या था? इसको हम बोलते हैं कील, या फिर इसका एक और नाम बताया था, याद होगा, कैरिना, कील या कैरिना बोलते हैं। हेलो सर, सर इसमें एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसी को ध्यान में रखना है। जेड वाले एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फैमिली से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक तुम यहां पे पढ़ रहे हो, इनको फैमिली में भी पैटर्न्स के प्रकार में वो सबके पढ़ने होंगे, इसलिए जितनी फैमिली हम पढ़ रहे हैं उस फैमिली के लिए तो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना, ठीक है?
देन इसके बाद में एक और भी होता है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्विंपोजिशन। क्विंपोजिशन में क्या होगा, दो गया ना, अटक गया वीडियो। वैक्सिलर में ओली फाबेसी आएगा एग्जांपल्स। हाँ, पेपिलियोनिसी फाबेसी। क्या हो गया? मिशु तेरा क्लास स्टार्ट हुआ बहन। चलो है ना, देखो में क्या देख रहे हो, डायग्राम को देख के समझो। ये वाला पेटल बिल्कुल बाहर है, दोनों शीले बाहर है, इसके दोनों कोर, इसका भी दोनों कोर बाहर है, देख रहे हो। इसके दोनों कोर अंदर है, इसके भी दोनों कोर अंदर है, और ये कैसा है, ट्विस्टेड के रूप में, एक अंदर एक बाहर, समझ गए क्या? आवाज आ रही है क्या? Yes, ऊपर वाला क्या बताया, एक बार वापस बताइए ना। क्विंटेंशियल में जैसे हमने इम्ब्रिकेट में देखा था, एक ऐसा था जो ऐसा लगा था दोनों तरफ से ढका हुआ, एक दोनों तरफ से बाहर है और बाकी ट्विस्टेड थे। यहाँ पे दो पूरी तरीके से अंदर की तरफ, दो पूरी तरीके से बाहर की तरफ और एक ट्विस्टेड फॉर्म में, समझ गए? इसको बताइए ना, वैक्सिलरी को वन टाइम और प्लीज। वैक्सिलरी को, अरे बच्चे वैक्सिलरी कल हमने एक नहीं बनाया था, एक बड़ा पेटल, दो छोटे पेटल और दो सबसे छोटे जो आपस में जुड़े हुए थे, भूल गए क्या? इस टाइप का दल बताया था, यस सर, वो वैक्सिलम होगा, एक सबसे बड़ा होगा वो वैक्सिलम होगा, उसके अंदर दो विंग्स होंगे जिनको इन्होंने कवर करा हुआ है, ढका हुआ है, और मटर में छोटे छोटे कील को, समझ गए सर? मटर में होता है ना ऐसा सर? मटर फैबेसी फैमिली, यस सर। आप फैमिली लिखते हो तो मेंबर्स अच्छे से नहीं पता तो क्लियर नहीं। अरे मेंबर तो पता होना चाहिए, कई बार नाम लिया है, पहली बार नहीं, कई बार। फैबेसी फैमिली के अंदर मटर, चना, मूंगफली, सेम, हाँ, तो फली वाले जो भी दिख रहे हैं वो सारे किसके मेंबर है? फैबेसी के मेंबर। हाँ सर, सर जो क्या बोलते हैं फैमिली आप लिखवाते हैं, कई सारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं तो उसके एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। नहीं सारे नहीं है बच्चे, तीन है वो, एक एस्टरेसी है जिसमें सनफ्लावर आता है और गेंदा आता है, एक कुकरबिटेसी है जिसमें कद्दू और घिया और तोरी और ये सब है, और एक मालवेसी है जिसमें चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, तीन एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट आते हैं। ये तीनों के नाम बार बार ले रहा हूं, बार और कम से कम 50 बार नाम लिए होंगे मैंने। यस सर, इम्पोर्टेंट है सब फैबेसी ले लिए अभी तो, क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में घिया आ जाए या कद्दू आ जाए या करेला आ जाए, तो तुम अलग अलग एग्जाम्पल न रट के, तुमको पता है ये कुकरबिटेसी के हैं, ये सारे एक जैसे रटना चाहिए ना मैंने तुम्हारा। मान लो भिंडी का एग्जाम्पल आ गया, अब तुमको पता है चाइना रोज वाली फैमिली का है, तो चाइना रोज की जो प्रॉपर्टी जो फीचर तुमको पता है, भिंडी पे अप्लाई कर दोगे, वही कॉटन पे अप्लाई कर दोगे, है ना? तो इसीलिए ये तीन एक्स्ट्रा फैमिली के नाम जो मैं बार बार ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जरूर से आते हैं इंडिविजुअली, तो तुम्हें उनका फैमिली पता होना चाहिए, तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। सर गुड़हल भी मालवेसी में आता है? यस गुड़हल मालवेसी में आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो गया सर? एग्जांपल जो है वो है रेनन्टुलस। रेनन्टुलस सर, हाँ ये सर जो अभी आप बता रहे हैं वैक्सिलरी के बाद वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन हुआ है ना? कुल कुंशल तुमको छोड़ना होगा, तुम छोड़ सकते, नहीं पढ़ने का मन हो रहा है तो इसके बारे में मत पढ़, ठीक है? वैक्सिलरी का बताया ना सर, छोड़
स्टेम इंटीग्रल। स्टेमिन को हम क्या बोलते हैं? पंकेसर। पहले तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट पंकेसर। एंड्रोशियम करके स्टार्ट करता हूँ। एंड्रोशियम की यूनिट जो है वो है स्टेमिन। स्टेमिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है, बहुत डिटेल में बड़ा हुआ है आप लोगों ने। बड़ा हुआ है सच में? यस सर। यस बिल्कुल। यस सर। एंथल, फिलामेंट, समीपस्थ सिरा की दूरस्थ सिरा, प्रॉक्सिमल एंड की डिस्टल एंड। समीपस्थ सिरा, प्रॉक्सिमल एंड। मोस्टली जो स्टेमिन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? मोस्टली जो स्टेमिन होते हैं वो एंथर जो होता है वो मोनोथीकस की डायथीकस। एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन बोलो, बोलो एक्सेप्शन। चाइना रोज, कॉटन, कैसा होगा मोनोथीकस तीनों के अंदर ही, इसलिए तो एक साथ डाइटेट्राइट कोरंजिएट। मोनोथीकस नाम इसी का है ना, एंड बाइस कोरंजिएट। लैमेसी किन का है सर? मालवेसी, यस मालवेसी का है। अब क्या होता है, ये जो स्टेमिन है यदि एक सर मत मिटाइएगा तो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। इन स्टेमिन का आपस में जुड़ाव हो सकता है या ये दूसरे भागों से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो दो टाइप की चीज होती है, होता है कोहेजन और एक होता है एडिशन। कोहेजन, कोहेजन का मतलब क्या होता है, ससंजन के आसंजन। बोलो कोहेजन का मतलब क्या होता है, ससंजन के आसंजन। बोलो ना। अरे ससंजन, ससंजन होता है ना, ससंजन यानी पुंकेसर का ससंजन। ससंजन का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ कि दूसरे से। परस्पर में जुड़े रहते हैं, जो परस्पर जुड़े रहते हैं आपस में जुड़े हैं तो कोहेजन फोर्स है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्टेमिन आपस में जुड़े हुए तो उसे क्या बोलेंगे, कोहेजन ऑफ स्टेमिन। समझ में आएगा? यस सर। यदि स्टेमिन आपस में जुड़े हुए तो उसे क्या बोल दोगे, उसे बोल दोगे ससंजन या कोहेजन ऑफ स्टेमिन। और यहाँ पर जुड़ा हुआ किससे है उसके अकॉर्डिंग तीन टाइप का होता है। एक होता है एडल्फस कंडीशन, एडल्फस कंडीशन होता है, सिनजेनेसियस कंडीशन, और एक होता है सिनएंड्रस। जबकि हम सिंजेनेसिस में देखेंगे तो क्या होगा, ओनली एंथर फ्यूज, और सिन एंथर देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बोथ फिलामेंट and anther fused, तीन condition है। कैसे समझ सकते हो सर, हिंदी में बताइए नाम को। हिंदी में भी एडल्फस, सिंजेनेसियस और सिनएंड्रसी बोलते हैं ना, हमारी हमारी एनसीईआरटी में अलग से कोई टर्म इनके लिए हिंदी में सर समझ नहीं आ रहा है।
बच्चे अभी बताऊंगा तब ना समझोगे, अभी तो डायग्राम बनाऊंगा तब तब ना समझोगे, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में भी इसके लिए अलग से कोई टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, क्या बोल रहा मैं, अब समझा रहा हूं बच्चे, अब ध्यान देना। ओनली फिलामेंटस फिलामेंट्स यूज, फिलामेंट क्या होता है वो जानते हो? पूतंतु। पूतंतु जुड़े हुए होंगे तो क्या बोलोगे? एडल्फस। अब पूतंतु कितने समूह में जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तीन प्रकार के ये हो सकते हैं, क्या क्या? एक हो सकता है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस को बोलते हैं एक संघ, क्या बोलते हैं? एक संघ। एक होता है डाई एडल्फस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वि संघ, और तीसरा होता है पॉली एडल्फस, बहुसंघ। क्या बोल रहा हूं कि जो एंथर है उसका फिलामेंट फ्यूज है सिर्फ तीन टाइप का हो सकता है, यानी यदि एक ग्रुप में फ्यूज है तो बोलोगे मोनो एडल्फस, यदि दो ग्रुप में फ्यूज है तो बोलोगे डाई एडल्फस, और यदि तीन ग्रुप में फ्यूज है तो बोलोगे पॉली एडल्फस। देखो जैसे मान लो एक फिलाम एक ये एंथर है, दूसरा ये एंथर है, तीसरा ये एंथर है, चौथा ये एंथर है, बहुत सारे एंथर है। अब क्या हुआ, इन सबकी फिलामेंट, ये है इनका फिलामेंट, इन सबका फिलामेंट जो है वो एक दूसरे से चिपक गया, फ्यूज हो गया, और फ्यूज होकर के उसने इस तरीके से करके एक क्यूब जैसा बना दिया, क्यूब जैसा बना। क्या बोल रहा हूं मैं, एडल्फस कंडीशन वो है जिसमें फिलामेंट फ्यूज होते, पुतंतु फ्यूज होते। देख रहे हो डायग्राम के अंदर चार स्टेमेन बनाया और चारों के फिलामेंट फ्यूज हो गए, क्या एंथैल्पी फ्यूज है क्या? नो सर, नहीं सर, नहीं फ्यूज है। तो चूंकि स्टेमेन फ्यूज हो गया है इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इसीलिए हमने इसको कोहेजन बोला, कोहेजन ऑफ स्टेमेन। किससे फ्यूज है? सिर्फ फिलामेंट से फ्यूज है, इसीलिए हमने इसको एडल्फस कंडीशन बोल दिया, और यदि एक ग्रुप में है तो क्या बोलते हैं? एक संघी। यदि दो ग्रुप में होता, दो ग्रुप कैसे होता, मान लो यहां पे बना रहा हूं, एक ये फिलामेंट है और दूसरे फिलामेंट का ग्रुप ये है, और हमने देखा कि ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया, दो ग्रुप में फ्यूज हो गया, एक ग्रुप ये अलग, एक ग्रुप ये अलग, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे बोलो, दो ग्रुप में तो ऐसे ही तीसरा कंडीशन जहां पर हम देख रहे हैं कि मान लो ऐसे बहुत सारे फिलामेंट हैं, बहुत सारे फिलामेंट हैं, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि कुछ फिलामेंट में फ्यूज होकर के एक ग्रुप बना लिया, कुछ फिलामेंट में फ्यूज होकर के दूसरा ग्रुप बना लिया, कुछ फिलामेंट में फ्यूज होकर के तीसरा ग्रुप बना लिया, क्या ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन रहे क्या? Yes, जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, यानी बहुत सारे ग्रुप में या झुंड में बस सकते हैं, तो क्या बोल दिया? बहुसंघी बोल दिया। क्या पिक्चर क्लियर हो गई सबको? यस सर। जो बच्चा बोल रहा था समझ में आ रहा है उसको, क्लियर हो गई बात? यस सर। दुई संघी को वन टाइम और बताइए ना, मेरे को दुई संघी समझ में नहीं आ रहा है। एक संघी समझ में आ गया तो दुई क्यों नहीं आ रहा है? एक संघी में एक ग्रुप है, दुई संघी में दो ग्रुप है, बहुसंघी में बहुत सारे ग्रुप है। सर इसको आप चारों को एक साथ जोड़ दिए हैं और एक अलग है इसीलिए इसको द्विसंगी बोले। हाँ, हो सकता है चार इधर होते तो भी दो एक ग्रुप होता तो द्विसंगी बोलते, समझ में आई? ओके यस। द्विसंगी बहुत सारे झुंडे तो बहुसंगी, एक झुंडे तो एक संगी, तो एक संगी कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है हमें मालवेसी में चाइना रोज, चाइना रोज का फूल देखा है सब बच्चों ने? यस सर। उसके अंदर ऐसे पेटल होते हैं फाइव, और इस पेटल के बीच में से यहां से ट्यूब के समान संरचना निकली होती है, क्या इस ट्यूब के टिप पे जब इतना क्या हो तो यहाँ पर लगे होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एंथर, क्या कभी देखा है क्या? यस सर। यस सर, बहुत सारे छोटे छोटे एंथर, क्या
क्या एंथर एक दूसरे से चिपके हुए कि एंथर अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग। और इनका स्टेमिन क्या है? इनका स्टेमिन क्या है? कुतंतु है, एक ही है, ये जुड़ा हुआ है। एक नलिका समान संरचना बना देता है और इस नलिका के अंदर होती है क्या? वर्तिका। और वर्तिका यहाँ पर ऐसे वर्तिकाग्र में विभाजित हो गई होती है। तो क्या देखा तुमने कि बहुत सारे स्टेमिन के फिलामेंट जो है वो फ्यूज हो गए, एक नलिकाकार संरचना बनाई। कौन सी कंडीशन है? एक संगी, द्वि संगी, के बहु संगी? एक संगी। एक क्वेश्चन है सर, द्वि संघी का क्या बच्चे? एक द्वि संघी का एक क्वेश्चन है सर। हाँ, द्वि संघी का एग्जांपल पहले बता दो कौन है। इसका एग्जांपल है फैबेसी। मटर फूल के पादप जो होते हैं उसके अंदर एंड्रोशियम की 9+1 कंडीशन होती है। 9 एक झुंड में, एक अलग, दो ग्रुप हो गए। यस सर। सर ये बताइए, अब पूछ लो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। जैसे द्वि संघी में एक ठो दो ठो कर देंगे तो वो पॉली बन जाएगा क्या? यदि बहुत सारे दो से ज्यादा कर दोगे तो पॉली बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि दो ही रहने दे तो, मतलब ये जो अकेला इसके साथ दो कर दें तो, मतलब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि यहाँ पे एक जो मैंने बनाया इसकी जगह पे दो होते और ये चिपके हो, ऐसा? यस सर। द्वि संघी दो ही झुंडे, द्विसंगी बोलेंगे इसे। यस सर। और ऐसा होता तो भी द्विसंगी दो ही ग्रुप है, ग्रुप में नंबर कितना भी हो सकता है। समझ गए क्या? यस सर। यस सर, मतलब वो ना झुंड पे डिपेंड करेगा ना, झुंड पे डिपेंड करेगा। मैंने दो को, मैंने एक अलग जोड़ रखा था और इधर सारे बहुत सारे क्यों बनाए थे? क्योंकि मैं तुम्हें फैबेसी का एग्जांपल बताना चाहता था जिसमें 1+9 कंडीशन होती है, इसलिए मैंने यहां पर एक साइड में एक ही बनाया था, दूसरी साइड में बहुत सारे बनाए थे, फैबेसी में 1+9 कंडीशन होती है। समझ गए? यस सर। अगर एक एक अलग अलग रहेगा तो? हाँ, नहीं नहीं, वो फ्यूज हुआ ही नहीं, दो ही हैं, एक अलग फ्यूज ही नहीं हुआ, उसे हम इसमें नहीं, कोहेशन में नहीं रखेंगे, समझे? यस सर। सर एक संगी में कौन सा अरेंजमेंट रहता है? एक संगी में ये देखो ना, बहुत सारे फ्यूज हो गए, मालवीसी में वो फ्यूज होकर के एक नलिका समान ट्यूब समान संरचना बना देते हैं वर्तिका, वर्तिका के अराउंड। और पॉली एंड्रस कंडीशन का एग्जांपल है सिट्रस, पॉलीएडल्फस का, पॉलीएडल्फस सिट्रस। समझ गए? तो ये जो टाइप मैंने बताया ये किसका फ्यूजन था? ये सिर्फ स्टेमिन का फ्यूजन था, ये मैंने तुम्हें बताया सिर्फ किसका फ्यूजन, स्टेमिन का फ्यूजन। अब यदि एंथर फ्यूज होगा तो क्या बोलोगे? सिनेंड्रस। अब देखो यहाँ पर क्या 1, 2, 3 मान लो 5 है, 1, 3 बना रहा हूँ, क्या 3 स्टेमिन दिख रहे हैं सब बच्चों को? यस सर। फिलामेंट अलग अलग है, यहां से फ्यूज हो गया, फिलामेंट अलग है, फ्यूज क्या हो गया? सूरजमुखी में एस्टोरेसी, सनफ्लावर के अंदर सिंगजेनेसिस कंडीशन होता है। पिक्चर क्लियर है बच्चे? यस सर। सिन एंड्रस में क्या होता है? दोनों फ्यूज, यानी मान लो ऐसे मैंने 3 स्टेमिन बनाए और मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये भी फ्यूज और ये भी फ्यूज, सब कुछ ही फ्यूज हो गया, क्या बोलते हैं इसको? सिन एंड्रस कंडीशन। यस सर। सिन एंड्रस कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है कई बार कुकरबिट्स के अंदर, कुकरबिटेसी कद्दूकल के बाद में, कुकरबिटेसी। सर हेलो सर। हाँ सर, उसका सर मुझे ये सेकंड इसका टाइप नहीं होता क्या? किसका? हाँ, इनके अलग अलग टाइप है, जैसे इसका टाइप था वैसे इनके अलग अलग टाइप है। यस सर। ठीक है, सबको कोहेजन वाली बात समझ में आ गई? सर वर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं। सर ये लास्ट वाला थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए, लास्ट वाला। लास्ट वाले में हम देख रहे हैं कि वहां पर एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो गए,
परागकोष भी और पुतंतु भी दोनों फ्यूज हो गए, पूरा का पूरा फ्यूज हो गया, तो उसे बोल देते हैं सिन एंड्रस कंडीशन। कुकर डिजीज में ऐसा देखने को मिलता है। ये तो बात हुई कोहेजन की, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एडहेशन की। एडहेशन ऑफ एंथर, एडहेशन ऑफ एंथर, एंथर के फ्यूज होने की बात कर रहे हैं। एडहेशन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे से चिपकना। किससे चिपक चिपक सकता है? दल से चिपक सकता है। दल से चिपक जाएगा तो बोलेंगे एपिटेटस कंडीशन। दल से यदि चिपक गया तो क्या बोलोगे? एपिटेटस कंडीशन। ये मान लो पेटल, ये पेटल है, मान लो कहां पर होगा ये पेटल? थैलेमस पे हो रहा है। इसी थैलेमस के ऊपर यहां पर मान लो स्टेमेन भी उग रहा है। और हमने क्या देखा, ये स्टेमेन जो है वो जब उगा है तो कुछ दूर वो चिपका हुआ है, किससे? दल से चिपका, चिपका हुआ है यहां। तो इसे क्या बोलोगे? इस कंडीशन को बोलोगे एपिपेटलस कंडीशन, दल लग्न अवस्था। दल लग्न, दल से चिपक गया, दल लग्न हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसका? दल लग्न अवस्था किसमें होता है? ये कुकरबिटेसी में होता है, कुकरबिटेसी। चाइना रोज में होता है, मालवेसी। सनफ्लावर में होता है, एस्टोरेसी। इनके अंदर होता है दल लग्न अवस्था। दूसरा एकदम गंदे विचार एपिफिलस और एपिटेटस कंडीशन। यदि पेटल किससे चिपका हुआ हो? परिदल से। टेपल किसको बोलते हैं? टेपल, पेटल, सेपल, टेपल। क्या होता है टेपल? टेपल होता है परिदल, जहां पर दल और बाहिदल में अंतर नहीं कर सकते। कौन सी फैमिली में होता है परिदल? लिलिएसी। लिलिएसी में होता है। तो एपिटेटस कंडीशन जो है वो कौन सी फैमिली में मिल जाएगा? लिलिएसी में मिल जाएगा। आगे बात समझ में? सर परिदल को समझाइए ना, परिदल को समझाइए ना। परिदल होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाह्य दल और दल अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही कलर का होता है, या तो दोनों ग्रीन होंगे या दोनों कलरफुल। तो यदि दल और बाह्य दल को हम अलग अलग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते तो उस केस में हम उसे क्या बोल देते हैं? परिदल बोल देते हैं, जैसे लिलिएसी फैमिली में होता है। सर प्याज लिलिएसी में आता है क्या? तो प्याज लिलिएसी में आता है। हाँ, क्योंकि प्याज का पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। हाँ, सर इंग्लिश में बोलिए, एक बार बताइए ना। लिली क्या बच्चे? सर दोनों को एक बार इंग्लिश में फिर से बताइए ना। बच्चे एपिपेटलस जो किससे लगा हुआ है? दल से लगा हुआ है, पेटल से लगा हुआ है। जो जो परिदल से लगा हुआ है यानी टेपल से लगा हुआ है उसे क्या बोलोगे? एपिटेटस या एपिफिलस कंडीशन। पेरियंथ से जो चिपका हुआ है, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ चिपका हुआ होगा, वो समझ लो दल की जगह पर क्या होगी? परिदल होगी। ओके सर, लिलिएसी हो जाएगा, लिलिएसी में होता है परिदल। ठीक है सर, सेकंड समझ नहीं आया। क्या हुआ बच्चे? सेकंड एक बार और बताइए ना बच्चे। लिलिएसी फैमिली जो है ना, उसके फूल में बाह्य दल नहीं होता है, दल नहीं होता है, दोनों संरचनाएं एक ही जैसी होती हैं। मतलब हम देख करके ये नहीं बोल सकते ये बाह्य दल है और ये दल है, दोनों ही कलरफुल है। तो वहां पर हम उसे क्या बोल देते हैं दल के बदले? परिदल बोल देते हैं। बाह्य दल और दल के बदले क्या बोल देते हैं? परिदल बोल देते हैं, पेरियंथ बोल देते हैं। और यदि स्टेमेन पेरियंथ से चिपका हुआ होगा तो क्या बोल दोगे उस एडिशन को? एपिफिलस या एपिटेटस कंडीशन। हिंदी में बोलना होगा तो बोल दोगे परिदल लग्न पुंकेसर। थैंक यू सर। यस सर। एग्जांपल लिए ऐसी है, बहुत सिंपल बात है। क्यों तुम मुझे तीन चार बार रिपीट कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। दैट इंटरेस्ट कर, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। तब भी तुम मुझे सेम ही चीज बोल रहे हो तीन बार चार बार। ध्यान से सुनो थोड़ा सा। दैट इंटरेस्ट कंडीशन,
यदि यही स्टेमेन किससे जुड़ा हो जाए, स्टेमेन अटैच्ड विथ गायनोशियम, यदि जायम से जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, गायनेंड्रस कंडीशन। एग्जांपल इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये वर्टिका है और यहाँ पर स्टेमेन है, तो स्टेमेन किससे फ्यूज हो जाता है, वर्टिका से फ्यूज हो जाता है। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। यदि ये दोनों आपस में चिपक जाए या और भी कहीं से भी चिपक जाए गायनोशियम के साथ में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं गायनेंड्रस कंडीशन। यानी पुंकेसर जो है वो किससे चिपक गया है, जायम से चिपक गया है, कैलोट्रोपिस। आगे क्या बात समझ में? यस सर। किससे चिपका हुआ है उसके अकॉर्डिंग नाम है, एपिपेडलस पेटल से चिपका हुआ है, एपिफिलस या एपिपेडलस टेपल या परिधल से चिपका हुआ है, और गायनेंड्रस किससे चिपका हुआ है, गायनोशियम। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया हमारा किसके रिलेटेड, एंड्रोशियम रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल और कार्पल में अंतर पता है क्या? यस वेरी गुड, हमने पढ़ा, कोई नई बात नहीं। गायनोशियम बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैमिली प्लान पढ़ रहे थे। सो कार्पल और पिस्टिल, एक कार्पल जो होता है या एक पिस्टिल जो होता है उसके अंदर तीन भाग, कौन कौन से तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी। ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा को हिंदी में वर्टिका तो बोलते हैं, ये है स्टाइल, वर्टिका बोलते हैं, और ये है, और इस ओवरी के अंदर हम देख रहे थे क्या कुछ इस तरीके से ओव्यूल क्या उपस्थित होते हैं यहाँ पर, ओव्यूल। ठीक है, कहाँ पर लगे हुए ओव्यूल, प्लेसेंटा पर, प्लेसेंटा के पास में, और ये है। अब गायनोशियम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कितने कार्पल है उसके बेसिस पे, मोनोकार्पलरी मल्टीकार्पलरी, मोनोकार्पलरी हो सकता है, मल्टीकार्पलरी हो सकता है, मल्टीकार्पलरी में सिल कार्पस हो सकता है, एपोकार्पस हो सकता है, क्या सारी बातें पहले की हुई है। यस सर, यस सर, एग्जांपल यस सर, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। तो गायनोशियम के बारे में हमने जो जनरल बातें हैं वो सारी पढ़ी हुई है। हमें यहाँ पर देखना है सीधे प्लेसेंटेशन क्या होता है। प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन। अलग अलग टाइप के, कौन कौन से टाइप है देखो, एक होता है मार्जिनल प्रेसेंटेशन, एक होता है मार्जिनल प्रेसेंटेशन, एक होता है एक्साइल प्रेसेंटेशन, एक होता है राइटल राइटल प्रेजेंटेशन। देन इसके अलावा एक तो है फ्री सेंटर,
देन इसके अलावा एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है बेसल फिशियल। ऐसे अलग अलग प्रकार के बीजाणुनाश होते हैं। मार्जिनल सीमांत, ओव्यूल कहां पे लगा होगा? सीमा पे लगा होगा, मार्जिन पे लगा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रेसिपिटेशन। कैसे? मटर देखा है क्या सबने? यस सर। मटर? यस सर। और मटर जब बच्चा था, यानी जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे वो कुछ इस प्रकार के ओवरी के रूप में, ऐसे ओवरी, इस ओवरी के अंदर एक जो सुचर है, एक सीमा जो है, मार्जिन जो है, इसके ऊपर बने हुए थे प्लेसेंटा और यहां से लगे हुए थे ओव्यूल। जब इनका निषेचन हुआ, बड़े हो गए, तो ये फूल करके कैसे संरचना में कन्वर्ट हो गया? इस प्रकार की संरचना में ये मटर है और ये क्या है? ये मटर की ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल लगे हुए। क्या दोनों एक जैसा लगता है तुम्हें? क्योंकि ओवरी ही तो बड़ा होकर के क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओव्यूल ही तो बड़े होकर के क्या बनते हैं? बोलो। फ्रूट। ओव्यूल, फ्रूट, बीज, ओव्यूल सीड, बीज जो सीड बनता है, बीज का निर्माण करता है। आई बस समझ में? तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया है। किसके अंदर? वो कन्वर्ट हो गया है सीड के अंदर, बीज का निर्माण हो गया है। तो जहां पे तुम मटर में बीज को लगे हुए देखते हो, वहां पर ही जो ओवरी है उसमें ओव्यूल लगा हुआ था। तो क्या एक मार्जिन पर, एक सीमा पर लगे होते हैं मटर के बीज? यस सर। एक लाइन में, एक ही लाइन में, लाइन एक लाइन में होते क्या? लग रहा है तुम लोग अपनी मम्मी की हेल्प नहीं कराते मटर छिलने में। अभी तो मौसम है मटर का, कुछ कुछ मटर में दो लाइन में नहीं लग रहा है सर? हरा मटन में ना दो लाइन में होता है। दो लाइन में होता है बच्चे, ये देखो कितना काम करते हैं घर पे, रोज मटर छिलके लग रहा है, एकदम पक्के से बता दिए। सर मम्मी बोल रही है खुद एक लाइन में रहता है, बगल में बैठी है तो सर एक लाइन में रहता है। हाँ, जब तुम उसको छीलोगे तो तुम देखोगे कि आधे मटर इधर, आधे मटर इधर, एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ, फिर एक इस तरह से दो भागों में वो जब पड़ता है सुचर से तो हमें ऐसा दिखता है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन में मार्जिन पर लगा हुआ है, लेकिन कितनी लाइन में? दो लाइन में होता है। एक मार्जिन पर दो लाइन होती है मटर की या ओव्यूल की, समझ गए? तो इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल जो है वो अभी बच्चे ने बताया दिया है, ई वाली फैमिली मटर। हेलो सर, ये मार्जिनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? सीमांत बीजाणुनाश। अब ये तो था मोनोकार्पिलरी, अब जो मल्टीकार्पिलरी, अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? यदि मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देखूं, ट्रायंगुलर सेक्शन में देखूं तो कैसा दिखेगा? हम लोग यहां से कट करके ऊपर से देखे तो ऐसा इसका ओवरी होगा और उसमें ऐसे मार्जिन पे बीज लगा होगा, क्या ऐसे दिखेगा? क्या ओवरी है ऐसे दिखेगा? क्या बोलो ना? यस सर। यस। अब हम मल्टी कार्पिलरी, हाँ ये ओवरी है और ये सीड है बीच में, ये सीड। अब मान लो कोई मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, कैसे बनती है मल्टी कार्पिलरी कंडीशन? ऐसे बहुत सारे कार्पल आपस में जुड़ जाते हैं तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन बन जाती है, होता है कि नहीं? यस। हमने क्या देखा, मान लो एक मटर का कार्पल ये था, दूसरे मटर का एक कार्पल आया ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, पांचवे का ये रहा, बहुत सारे जुड़ गए और सबके अंदर जो प्लेसेंटा था वो किस तरफ आया? झुकते गए सेंटर की तरफ। क्या बन गया? ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, ये पूरा का पूरा एक ओवरी, उसके अंदर चैम्बर और सारे ओवरी कहां पर लगे हुए? सेंटर में। क्या बोलोगे इस प्रेजेंटेशन को? एक्साइल प्रेजेंटेशन। समझ गए? एग्जाम प्रेजेंटेशन कैसे इवॉल्व हुआ? जब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन आई तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में बहुत सारे कार्पल हो गए और वो कार्पल आपस में कुछ इस तरीके से फ्यूज हुए कि सबका ओव्यूल सेंटर पर अटैच है, मतलब
प्लेसेंटा जो है वो सेंटर पे है, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जाइल प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। टमाटर देखा है? नहीं बोली। टमाटर देखा क्या? टमाटर कट किया होगा तो देखा होगा उसका जो ये प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है, थैलेमस वाला पार्ट, वो थोड़ा स्क्वेयर हो जाता है प्लेसेंटा सोलेनेसी। सर इसमें एप्पल भी आ गया क्या? एग्जैक्ट नींबू भी, नींबू, लेमन सर, नींबू आएगा और गुड़हल आएगा। गुड़हल भी आएगा, वेरी गुड। चाइना रोज, मार्गशीर्ष का भी। सर एप्पल भी आएगा क्या? एप्पल भी आएगा बच्चे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तुम तो सोच रहे हो, वेरी गुड। सर टमाटर भी, टमाटर भी सोलेनेसी का मेंबर है। लीजिएसी के मेंबर में भी ऐसा ही होता है। तो हम जो फैमिली बनेंगे लीजिएसी सोलेनेसी, उनके अंदर कैसा होगा? उनके अंदर इस टाइप का प्रेजेंटेशन होगा। अब पैरेलल प्रेजेंटेशन, अब जो ये हमने देखा मटर वाला एक मोनोकार्पेलेबी टाइप का ओव्यूल था, मल्टीकार्पेलेबी सिंकार्पस कंडीशन में आया, तो जरूर थोड़ी ऐसे जुड़े, वो ऐसे भी तो जुड़ सकता है, ऐसे भी तो जुड़ सकता है। ओव्यूल कहां पर लगे हैं? दूर में लगे हैं, ऐसे भी तो हो सकता था, जो थोड़ी की सेंटर की तरफ भी लगाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि ओव्यूल परिधि की तरफ लगा हुआ है, यानी प्लेसेंटा की परिधि की तरफ है, तो उसे क्या बोलोगे? पैरेंटल प्रेजेंटेशन बोलोगे। आई बात समझ में? यस सर। अब ऐसा ऐसा देखने को काम मिलता है, तुमने एक फल जो है वो खाया होगा अपने जीवन में, सर खीरा लक्की, जिसके अंदर तुम देखते हो कि कुछ इस तरीके से वो तीन भागों में बटा होता है और यहाँ पर लगे होते हैं उसके बीज, यानी ओवरी जब था तो ओव्यूल कहाँ लगा होता? सर खीरा है क्या ये? क्या तुम्हें ये खीरा लग रहा है क्या? यस सर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यस सर इसमें होता है। बहुत अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ, ये तुम्हें खीरा लग रहा है। यस सर ये तो खीरा है। यस सर। वेरी गुड बच्चे। तो कौन सी फैमिली? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी? कुकुर नहीं बच्चे, कुकुर तो कुत्ता होता है। कुकुरबिटेसी। और एक और फैमिली का नाम ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैसिकेसी। मस्टर्ड वाली जो फैमिली है, मस्टर्ड जो है उसके अंदर भी पैरेटल प्रेजेंटेशन होता है। सर क्रूसीफर सरसों। हाँ क्रूसीफर सरसों। और सर ये आर्जिमोन लिखा है एनसीईआरटी में, वो क्या? आर्जिमोन होता है प्रिकली पॉप, पेपरेसी का मेंबर है, उसमें भी यही होता है ना? चाहो तो लिख लेना आर्जिमोन पैरेटल प्रेजेंटेशन। सर इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? भित्ति बोलेंगे ना? हाँ भित्ति है, ये अक्षीय, ये भित्ति है। मुक्त केंद्र की पैरेटल, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर चैम्बर्स नहीं होते, बीच जो है वो सेंटर में तो लगे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे एग्जाम में क्या था, ऐसे बीच में पट बने हुए थे, सेक्टा बने हुए थे, वैसा सेक्टा नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेकंड ईयर है क्या? डायंकस, प्रिमरोज, तुम्हें ये होता है। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन क्या होता है? जहां पर हम देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो पट के ऊपर है, यानी ओव्यूल जो है वो यहाँ पर पट के ऊपर लगे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। और ऐसा देखने को मिलता है निम्फिया में, निलंबों में। निम्फिया, क्या निम्फिया को वाटर लिली बोलते हैं क्या? क्या वाटर लिली लिलिएसी का मेंबर है क्या? क्या वाटर लिली लिलिएसी का मेंबर है क्या? यस सर। क्या यस सर? यस सर। गलत, वाटर लिली जो है वो निम्फिएसी का मेंबर है, लिलिएसी का नहीं। नाम देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, लिली जैसा दिखता है और पानी में उगता है, इसलिए हमने उसका नाम वाटर लिली रखा हुआ है, ठीक है ना? ध्यान रखने का। और बेसल प्रेजेंटेशन आधारित है, बीजान्यास क्या होगा? अब जो बीजांड लगा होगा वो जहां पर थैलेमस है उसके ऊपर लगा होगा, यानी आधार पर लगा होगा कुछ इस तरीके से। और ऐसा देखने को मिलता है कौन सी फैमिली के अंदर, जो हम पढ़ेंगे उनमें से? पोएसी फैमिली। पोएसी सर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो एस्टरेसी में ऐसा। हेलो सर, सूरजमुखी में भी? हाँ हाँ बच्चे। सुपरफिशियल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? सुपरफिशियल को बोलोगे सुपरफिशियल, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये,
सतह ही बोलेंगे, सतह परिभित्ति बोलेंगे, परिभित्ति परिभित्ति। सर सुपरफिशियल का एग्जांपल क्या होगा? द्वितीय पैराइटल फ्री सेंट्रल मुक्त केंद्र की सुपरफिशियल सतही और बेसल आधार। सर हाँ बच्चे, सर इसे प्लेसेंटा का मतलब मेन फंक्शन क्या रहता है? प्लेसेंटा ही वो जगह है जो ओव्यूल बनाता है। तो तुम्हें पूछेगा कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो प्लेसेंटा से ही होता है। और कुछ है क्या सर फंक्शन? ये तो बुक में दिया हुआ है तो और कुछ? हाँ, तो यही होता है। और फिर प्लेसेंटा से डेवलप हुआ है तो वहीं से ही उसकी वास्कुलर सप्लाई भी जारी होगी, मतलब जैसे अपने ह्यूमन में होता है वैसी। हाँ, फ्यूनिकल के थ्रू वास्कुलर सप्लाई जारी होगी, उसी के थ्रू उसको भोजन भी मिलेगा। हाँ मतलब सेम वैसे ही टाइप का वर्क है जैसे हमारे में होता है। हाँ यस बच्ची बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारा पुष्प के बारे में। सर अब हाँ बच्ची, सर मत पिटाइए इनकी। सर हाँ बच्ची बोलो ना। सर इस बार टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? इस बार के टेस्ट में आएगा तुम्हारा जो जो हमने पढ़िया वो सब। सर मॉर्फोलॉजी भी आएगा जितना पढ़े हैं। क्या पूरा आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लान पूरा आएगा। प्लांट किंगडम और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट किंगडम तो ब्रायोफाइटा तक क्या आ चुका था ना, वो भी आएगा वापस। मतलब कि फुल सिलेबस आएगा सर जितना पढ़ाएंगे। हाँ, फुल सिलेबस आएगा। फ्रूट क्या होता है? सब बच्चा बच्चा जानता है फ्रूट क्या होता है, जानते हैं क्या बच्चा बच्चा? फल होता है, अंडाशय का रूपांतरण होता है। नहीं जानते हैं, होम साइंस वाले पक्का हुआ अंडा। वालों को बोलोगे कि टमाटर फल है कि सब्जी है तो बोलेंगे सब्जी है, वो फल है। हाँ, और हम लोगों के लिए वो फल है। उनको बोलोगे गाजर जो है वो फल है कि सब्जी है तो बोल देंगे फल है, फूल है, रूपांतरित फूल है। हमारे लिए हर वो चीज, हमारे लिए हर वो चीज जो ओवरी से डेवलप हो रही है वो क्या है? वो फ्रूट है। जो लोग व्रत करते हैं उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि जब व्रत कर रहे हो टमाटर खा सकते हो, मिर्ची खा सकते हो, आलू नहीं खा सकते। बोले नहीं, हम तो आलू खाएंगे ठीक है, और मिर्ची टमाटर नहीं खाएंगे। मिर्ची टमाटर सब्जी है, आलू जो है वो व्रत में चलता है। सर मिर्ची कैसे खाएंगे? तो उल्टा हो गया ना, मतलब सब्जी खा सकते हैं ना, टमाटर की, बैंगन की, मिर्ची डाल के सब खा सकते हैं, सब फल है। लेकिन वो सेब खाते हैं, आलू खाते हैं ठीक है। तो होम साइंस वाले उनको नहीं समझा सकते। लेकिन जो बॉटनी पढ़ रहे हैं उनके लिए जो ओवरी से जो भी डेवलप हो रहा है वो क्या है? वो फ्रूट है, उन्हें हम फल बोलते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जो फ्लावर का कुछ दूसरा पार्ट भी कई बार फूल जाता है, फ्लैशी हो जाता है, मांसल हो जाता है, खाने योग्य हो जाता है और फल में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे फलों को हम क्या बोल देते हैं? फल या फिर अछत्य फल। दो टाइप का हो सकता है, एक ट्रू और एक सत्य फल और आभासी फल, मिथ्या फल ठीक है। ट्रू फ्रूट के एग्जांपल तो तुम बहुत सारे जानते हो, टोमेटो हुआ, ग्रेप हुआ, ऑरेंज हुआ ठीक है, गॉड्स हुए, तो बहुत सारे। फॉल्स फ्रूट के कुछ एग्जांपल बताओ। एप्पल, सेब, नाशपाती, कटहल, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। स्ट्रॉबेरी कोई बोल रहा है? वेरी गुड बच्चे, स्ट्रॉबेरी। सर अखरोट आता है सर। कैश्यू नट, काजू। तो वो फ्रूट जो किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम सर जी कोकोनट की, कोकोनट किस में आता है? कोकोनट बिल्कुल ट्रू फ्रूट, ड्रूप है वो तो।
डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस और फ्लोरल एक्सिस थैलेमकल या रिसेप्टेकल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, कॉमनली थैलेमस से वो बनता है। सर कटहल यार, हाँ कटहल फॉल्स फ्रूट में, फॉल्स फ्रूट में जो है उसके अंदर मेजर पार्ट जो फ्लेशी है वो पेडेंकल होता है, उसका पुष्पीय अक्ष होता है, तो मेजर पार्ट तो उसका फॉल्स वाला है, लेकिन जो फ्लावर होते हैं वो भी मैच्योर होकर के उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, तो कुछ उसमें ट्रू फ्रूट वाला भी पोर्शन होगा, लेकिन ज्यादातर पार्ट कैसा है, फॉल्स वाला है। ठीक है जी सर, मुझे रखेंगे, अनिषेक फल है ये तो, ऑर्थोजेनेसिस अनिषेक फल है, क्यों, क्योंकि ये कैसे बनता है, बिना निषेचन के भी फल डेवलप हो जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ध्यान रखना, कई बार बच्चों को पता होता है कि बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, वो ऐसा मान लेते हैं कि फॉल्स फ्रूट भी है, नहीं ट्रू फ्रूट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब फल जो है उसका निर्माण होता है तो कौन कौन से भाग बनते हैं उसके अंदर, एपिकार्प और मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये तीन पार्ट जो है वो उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम फल वृद्धि या पेरिकार्पी बोलते हैं। अब एक फ्रूट जो तुमने अपने जीवन में देखा होगा, खाया भी होगा, और अपने जीवन में सबसे पहला कायदा जो बनाना तुमने सीखा होगा मुझे पता है, आम मैंगो। हेलो सर सुनिए ना प्लीज सर, वो अंजीर किस में आता है, अंजीर, अंजीर फॉल्स में आता है, क्योंकि उसके अंदर रिसेप्टेकल जो है वो फूल जाता है। सर मुझे ना असत्य फल, मतलब कि जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो, मतलब कि जी उसमें पौधे, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो नहीं होते ना सीधे, वो मतलब बीजाण से ही सीधे फल फ्रूट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आम उसको देखो, क्या बोलते हैं, एप्पल को देखो, एप्पल नॉर्मल जैसे फ्रूट बनता है वैसे ही तो बना, बस डिफरेंस क्या हुआ कि ओवरी वाला पार्ट ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, थैलेमस वाला पार्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तो हमने उसे फॉल्स फ्रूट बोल दिया। आई बात समझ में, थैलेमस और एक और क्या है सर जिसे डेवलप होता है, फ्लोरल एक्सिस, उसमें अक्ष या रिसेप्टेकल जो होते हैं उनसे भी डेवलप हो सकता है, पेडेंकल बोलते हैं ना उसे, यस। यहां पर आम के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, एपिकार्प, एपिकार्प बाह्य फल वृद्धि, बीच वाली जो होती है वो क्या होती है, मीजोकार्प, और अंदर वाली क्या होती है, एंडोकार्प। कुछ में ये तीनों अलग अलग होगा, कई फ्रूट में हमें ये तीनों अलग अलग नहीं दिखता है, एक ही रूप में दिखता है, चिपका हुआ हो सकता है, कैरी का क्या बोलते हैं उसका मिश्रण, पहले आई बात समझे, और ये क्या है बीच में गुठली के अंदर, जो गुठली बोलते हैं हम आम की गुठली, उसके अंदर होता है क्या, सीड, तो ऐसा होता है एक फ्रूट, जनरल डायग्राम बना दिया फ्रूट का जिसमें एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होगा और अंदर होगा सीड। ठीक है, अब फल जो है उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, किस बेसिस पे, कि वो कैसे कहां से डेवलप हो रहा है उस बेसिस, कुछ में तुमको एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग नहीं दिखेगा, एग्जाम्पल बताओ कोई ऐसा फ्रूट जिसमें एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग नहीं दिख रहा है, ऐसा चिपका हुआ है ना कि एक ही लेयर दिख रही है, बोलो, मटर सर, मूंगफली, फिर तो मूंगफली, यस मटर, मूंगफली, चावल, गेहूं, मक्का, नारियल में होगा क्या, नारियल तो अलग से दिखता है, अलग अलग दिखता है। ठीक है, फ्रूट के हम टाइप्स देखते हैं बच्चों, मेनली तीन टाइप, कौन कौन से तीन टाइप है, एक होता है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, सरल फ्रूट,
एक होता है एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट उसको बोल देते हैं हम पुंज फल, एग्रीगेट को पुंज फल। और तीसरा होता है कंपोजिट फ्रूट, इसको हम संयुक्त फल बोलते हैं। सरल फल, पुंज फल और संयुक्त फल क्या होते हैं देखो, यदि कोई ऐसा फल जो किससे डेवलप हो रहे हैं, डेवलप्स फ्रॉम अंडाशय से, अंडाशय से तो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, लेकिन वो गायनोशियम मोस्टली किस टाइप का था, यदि वो मोनोकार्पुलरी, मोनोकार्पुलरी या फिर मल्टी कार्पुलरी सेमी कार्पस ओवरी से डेवलप हुआ है, या तो एक ही कार्पल हो जैसा कि किसमें देखा था, जैसा कि तुमने मटर में देखा था, या फिर मल्टी कार्पेलरी सिंगल कार्पस हो जैसा कि तुमने टमाटर में देखा है, तो उनसे जो फ्रूट डेवलप होंगे वो क्या होंगे, सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या हो, ऐसा फ्रूट जो डेवलप होता है किससे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस हो, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस उभरी से डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्लीज बताइए ना मेरे को। पुंज फल, पुंज फल जो है वो बहुअंडपी पृथक अंडपी अंडाशय से विकसित होता है। और यदि हम देखते हैं कि कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस डेवलप्स इन फ्रूट, यदि पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम ही फल में रूपांतरित हो जाए तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल होता है सोरोसिस, सोरोसिस जो है उसके अंदर आते हैं बेरी, पाइनएप्पल, मलबेरी, पाइनएप्पल, और जो तुम एग्जांपल बोल रहे थे जैक फ्रूट, क्या बोलते हैं जैक फ्रूट को, कटहल, कटहल, ये एग्जांपल है सोरोसिस के। और एक होता है साइकोनस, साइकोनस का एग्जांपल है फिग, अंजीर। अब हालांकि अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, तुमको पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि भावनाओं में बैठे पढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे फ्रूट तुमको सारे टाइप जितने मॉड्यूल्स वगैरह में दिए बताने लग जाओ मतलब नहीं है, बट कंसेप्ट बता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है कि सिंपल फ्रूट बनता है किससे, मोनोकार्पुलरी या मल्टीकार्पुलरी सिंकार्पस ओवरी से, तो एक फल जैसा दिखे। यदि मल्टीकार्पुलरी एपोकार्पस से बना हुआ है तो एपोकार्पस मतलब अलग अलग ओवरी है सबकी, तो ऐसा लगेगा जैसे झुंड में हो। झुंड में क्या तुमने कभी शरीफा देखा है क्या, शरीफा देखा है क्या, नो सर, सीताफल को बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं कुछ लोग, यस, यस सीताफल भी बोलते हैं कुछ लोग। स्ट्रॉबेरी नहीं देखा क्या, अभी याद आ जाएगा, अभी दिखा देता हूँ। यस सर देखे हैं। जीवन में एक फल देखा होगा, यहाँ पे बना रहा हूँ, तुमने अपने जीवन में एक फल देखा होगा, डंडी का मान लो बेचते तब तक नहीं रखे, और उसके ऊपर तुम्हें ना ऐसे छोटे छोटे से कुछ बने हुए दिखते हैं, जैसे लगता है कि इसके ऊपर ग्रीन कलर का फ्रूट है, एकदम ग्रीन भी नहीं होता है, थोड़ा मतलब ब्राउन, थोड़ा सा ग्रे टाइप का ग्रीन होता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक फ्रूट है जिसके ऊपर इस तरीके से क्या बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं। शरीफा भी बोलते हैं उसी को, हाँ शरीफा बोलते हैं, मैंने तो शरीफा ही बोला कुछ इस टाइप का। जब तुम खाते हो तो तुम्हें क्या होता है, ये एक एक जो चैम्बर है उसको जब तुम खाओगे तो सबके अंदर अपनी अपनी एक एक गुठली भी होती है, जब तुम उसको खाओगे अंदर से व्हाइट होता है और उसके अंदर एक एक गुठली भी होती है। देखा ही गया सबके फ्रूट, ये सीताफल है, ये कस्टर्ड एप्पल है, शरीफा बोलते हैं, कुछ लोग सीताफल भी बोलते हैं। तो किसका एग्जाम्पल, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे फल जो है वो चिपक गए हैं जो इनका थैलेमस था उसके ऊपर,
ऐसे फलों को हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्लियर हो गई बात? हेलो सर, हाँ सोरोसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? सोरोसिस ही बोलते बच्चों, इनका हिंदी नाम यही सोरोसिस एंकोनस का को अलग से हिंदी नाम है, दोनों को वही बोलेंगे इंग्लिश। और सुपर फ्रूट के एग्जांपल तो तुम्हें दुनिया भर के पता है, चाहे तुम फेबेसी का एग्जांपल ले लो। हेलो सर, हाँ बच्चे सर, कंपोजिट फ्रूट को क्या बोले सर हिंदी में? संयुक्त तो फल। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, ब्रैसिकेसी। हेलो सर, हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर। सर मतलब एक 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 सीताफल होता है और एक चीता ही होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है? मतलब दोनों ना एक जैसे लगते हैं, तो दोनों में चीता ही तो मैंने नहीं देखा कभी। हम नहीं सर, इधर तो हम खाए हैं, शरीफा ही होता है। यदि एक जैसा ही है तो हो सकता है उसकी कोई वैरायटी हो, इसलिए नाम अलग रख दिया थोड़ा सा। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोरोसिस एंड सिंकोनस? व्हाट हैपेंस इन सोरोसिस, देयर इज अ फ्लोरल एक्सेस हैविंग सेसाइल फ्लावर्स लाइक दिस, कैटकिन या स्पाइक वगैरह। अब ये फ्रूट में जब डेवलप होगा तो क्या होगा, ये जो फ्लोरल एक्सेस है, दिस फ्लोरल एक्सेस विल स्वेल अप, स्टोर फूड एंड स्वेल अप लाइक दिस, एंड दीस फ्लावर्स, इंडिविजुअल फ्लावर विल कन्वर्ट इन फ्लैशी फ्रूट, एंड दीस so these flowers are present very close to each other, when this becomes fleshy all the parts get fused to form one large fruit like this. No, what is it? It is jackfruit. Kathal aise hota hai, mulberry. Yes sir, yes sir. To sir brassicaceae ke niche mango likha hai, kya bache brassicaceae ke niche mango likha hai na, dikh nahi raha. Ha, mango bhi simple hi. ठीक है बच्चे, तो ये तो होता है सोरोसिस। और साइकोनस क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इफ हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज डेवलप्ड इनटू अ फ्रूट लाइक दिस, क्या हो जाएगा, दिस वन इज नोन एज साइकोनस। सो इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बाय विच दीज फ्रूट्स डेवलप। Sorosis develop from either spike or catkin or spikelet type of inflorescence, while cyconus develop from hypanthodium inflorescence. ठीक है? और सर पर हिंदी में भी बोल दीजिए ना इसे। यही बोलते बच्चे। Sorosis को sorosis, cyconus को cyconus. ठीक है? अब कौन-कौन से पुष्पक्रम से बन रहे हैं उसके ऊपर अंतर होता है। Sorosis जो होता है वो स्पाइक, स्पाइकलेट या कैटकिन प्रकार के पुष्पक्रम से बनता है, और साइकोनस जो है वो हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनता है। सर ये okay, क्या होता है मलबेरी, क्या लिखे आप? मलबेरी शहतूत। ओह मलबेरी शहतूत, पाइनएप्पल अनानास, और जैक फ्रूट जो होता है वो कटहल होता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट जो होता है बच्चे, ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई और फ्लैशी। फिर फ्लैशी फ्रूट है उनके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब वो सारे टाइप्स जो है वो जरूरत नहीं है पढ़ने की, पूछते भी नहीं है नीट में। हेलो सर, ये जो अंजीर है, फिग है, उसको आपकी फिग जो है वो अंजीर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सर ये इसी में आएगा क्या, जो कंपोजिट फ्रूट रहेगा संयुक्त फल, उसी में आएगा वो संयुक्त फल रहेगा अंजीर। ओके सर, सर तो इसको हम साइकस करके क्यों लिखे हैं? ऊपर आ जूंगी, क्योंकि साइकोनस जो है वो टाइप है इसका। कंपोजिट के भी दो टाइप है, कौन-कौन से, एक सोरोसिस और एक साइकोनस। अब देखो ड्रू, ड्रू फल के बारे में हम पढ़ते हैं। ड्रू फल जो होता है, इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर जो एंडोकार्प होगा, एंडोकार्प इज स्टोनी हार्ड, बहुत ही कठोर और कड़क हो जाता है ड्रूप के अंदर। आम की गुठली एंडोकार्प है, नारियल खोपरा जो है जिसको हम भगवान को नाम लेके फोड़ते हैं, वो एक हार्ड सा जो पार्ट होता है, क्या है वो, एंडोकार्प। जिनके अंदर वैसा एंडोकार्प होता है उन्हें हम ड्रूप बोलते हैं। आलमंड बादाम वो भी ड्रूप है। तो इनके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दो एग्जाम्पल लेकर के हमको पढ़ना है, मैंगो एंड कोको, आम और नारियल, दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया भाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
मैंगो के अंदर हम क्या देखते हैं, एपिकार्प हरा होता है, छिलके नुमा होता है, लेदरी। मीजोकार्प एडिबल पल्प लाइक होता है, मीजोकार्प। और एंडोकार्प जो है वो उससे कुछ धागे जैसे भी निकले हुए होते हैं और ये कठोर पार्ट होते हैं, अभी देखा था हमने। लेकिन जब हम कोकोनट को देखते हैं, तो कोकोनट को देख रहे बच्चों, तो नारियल पानी जो पीने जाते हैं तो उसको देखो क्या होता है, आउटर वाली कवरिंग जो है वो हरी होती है, उसके अंदर व्हाइट वाला पोर्शन होता है, सबसे बाहर एपिकार्प सूख जाएगा, ब्राउन कलर का छिलका बनेगा, अंदर व्हाइट वाला पार्ट जब सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेशे में कन्वर्ट हो जाता है, फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉयल। यहाँ पर डिफरेंस है, एपिकार्प छिलका है, बट मीजोकार्प जब ये फ्रूट मैच्योर होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉयल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या रस्सी बनाने का काम आता है क्या, क्या है एंडोकार्प, स्टोनी हार्ड होता है। और जब इसके अंदर देखोगे बच्चों तो इसके अंदर तुम्हें मिलेगा क्या, सी बीज, जो खोपरा होता है वो क्या है, वो बीज है, और बीज में हम जो भाग खाते हैं वो दो चीज है, तो हम खा लेते हैं वाला भाग और दूसरा नारियल पानी पी लेते हैं। सर क्या है ये, सीड, और सीड में भी पर्टिकुलरली एडिबल पार्ट क्या है, एंडोस्पर्म। पूछेंगे कि बताओ ड्रू फ्रूट मैंगो में क्या खाते हैं, तो बोलोगे मीजोकार्प। पूछेंगे ड्रू फ्रूट कोकोनट में क्या खाते हैं, तो क्या बोलोगे, सीड खाते हैं, एंडोस्पर्म या सीड, बिल्कुल सर। हां बच्चों सर, सर कर्नल क्या होता है कोकोनट में, कर्नल का मतलब भी सीड का ही पार्ट होता है, सीड का जो अंदर वाला पार्ट होता है कर्नल ही होता है, सीड और कर्नल ऑलमोस्ट एक ही बात है, सर। ये क्या लिखे हैं आप, एंडोकार्प इज क्या लिखे हैं, हार्ड करके, एंडोकार्प इज स्टोनी हार्ड, बहुत ही कठोर होता है, पत्थर की तरह हार्ड होता है, इसलिए स्टोनी हार्ड। याद करो नारियल का कितना मजबूत होता है, कितना कठोर होता है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ में मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, फैमिलीज वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इतना सब अच्छे से पढ़ के आना, यदि तुम कोई मलेरिया कहीं से पढ़ रहे हो तो तुमको चीजें बहुत सारी एक्स्ट्रा मिलेगी, यदि तुम्हें इंटरेस्ट है जरूर से पढ़ो, नहीं है सर साइड प्लीज, सर साइड प्लीज, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, उतना आता है क्या नीट में, नहीं आता है, नहीं आता है, सर NCERT नोट्स करने से हो जाएगा ना, बिल्कुल, इसलिए मैंने तुमको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया NCERT का, चलो मिलते हैं, ओके सर, थैंक यू, बाय सर। उसके हम लोग भी कैसे करेंगे।